हमेशा कुछ नोट किया। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सर जेवी एंड डॉक्टर रवि जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन एंड फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंस एंड ज्योति विद्यापीठ यूनिवर्सिटी जयपुर। इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम आवर लास्ट लेक्चर ऑफ सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस। लास्ट लेक्चर में हमने सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस के बारे में कुछ डिस्कस किया था। व्हाट इज सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, व्हाट इज द एटियोपैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल फीचर्स, है ना, ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी पिछली बार। आज हम टाइप्स से शुरू करेंगे, वहाँ पे छोड़ा था। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस। टाइप शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि हम लोग रिवाइज कर लें ताकि एक कंटिन्यूटी बनी रहे लास्ट लेक्चर से, है ना, जो भी हमारा लास्ट लेक्चर था उससे कंटिन्यूटी बनी रहे कि व्हाट इज सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस। तो कोई मुझे बताएगा व्हाट इज सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस? कोई भी बेटा, एनीवन, एक जना बता दो बेटा। Thickening of the skin due to accumulation of collagen fibers. तो collagen accumulation को बोला जाता है fibrosis. This is fibrosis. Now what is the etiopathogenesis? ये सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन सी age group को affect करता है systemic sclerosis, affects which age group? Fourth and fifth decade. Fourth and fifth decade. तो fourth and fifth decade के individuals को affect करता है। मेल्स और फीमेल्स में किसमें ज्यादा होता है? फीमेल्स। हाँ बेटा, भूल गए क्या? देखा फीमेल। नाइन इस टू वन का कुछ रेशियो था ना बेटा, किसमें ज्यादा था? फीमेल। माइनस टू फोर का रेशियो है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस। सो बेसिकली ये था क्या, व्हाट इज सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस? दिस इज बेसिकली ऑटो इम्यून डिजीज, है ना, ऑटो इम्यून डिजीज है जिसके अंदर क्या हो रहा था, इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था ऑफ द टी सेल्स, ठीक है। टी सेल्स का इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था, वो क्या कर रहे थे बोलो बेटा, क्या हो रहा था? टी सेल्स का इन्फिल्ट्रेशन होके कहाँ पे हो रहा था, कौन सी चीजें इन्वॉल्व हो रही थी? आपके ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व हो रहे थे सबसे ज्यादा। ब्लड वेसल्स में क्या इन्वॉल्व हो रही थी? एंटीबॉडी वाज इन्वॉल्व, ठीक है। इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द टी सेल्स दैट वाज लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट, यस, दैट वाज लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट क्या कर रहे थे? उधर एक्युमुलेशन कर रहे थे टाइप 1 कोलेजन को, टाइप 1 कोलेजन का, जिसको हम क्या बोल रहे थे, फाइब्रोसिस, ठीक है। तो ये जो डर्मिस है, डर्मिस के अंदर फाइब्रोसिस हो रहा था और उसकी वजह से थिकनिंग हार्डनिंग ऑफ द स्किन हो रही थी, ठीक है। ये सिर्फ स्किन को ही इन्वॉल्व नहीं कर रहा था, और किस चीज को इन्वॉल्व कर रहा था? स्किन वाज प्राइमरीली गेटिंग अफेक्टेड बट सम ऑर्गन्स वर आल्सो अफेक्टेड। कौन कौन से ऑर्गन्स थे बेटा? इधर से कौन बताएगा मुझे? कोई भी जना बोलो। लंग्स, किडनी, हार्ट, जीआई ट्रैक्ट एंड रीनल, किडनीज को भी इफेक्ट हो रहा था। अगर हम बात करें लंग्स, तो लंग्स में क्या प्रॉब्लम थी? सबसे पहले स्किन का बता दो, ठीक है। स्किन में क्या क्या सिम्टम्स आ रहे थे यहाँ पे जब हमने क्लिनिकल फीचर्स पढ़े थे? तो व्हाट वर द चेंजेस दैट वर डिस्कलरेशन बेटा, हार्डनिंग, इंडोलेशन, दिस क्लॉ हैंड, क्लॉ हैंड, एंड व्हाट वाज द टेक्निकल टर्म फॉर दिस क्लॉ हैंड? स्क्लेरो मींस हार्डनिंग, टैक्टाइलिक इज द फिंगर, सो स्क्लेरोडेक्टिली वाज द टर्म दैट वी हैड टू यूज इन केस ऑफ सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, ठीक है। और क्या था बेटा स्किन के अंदर? वेरी गुड, हां बेटा बोलो। टेलेंजियोक्रेशिया से दैट वाज ब्लड वेसल्स, उसमें कुछ ब्लड वेसल्स का विजिबिलिटी थी। नेक्स्ट ऑर्गन रेनॉल्ड्स फिनोमेनन, रेनॉल्ड्स फिनोमेनन में क्या हो रहा था बेटा? ड्यू टू द कॉन्स्ट्रिक्शन, नैरोइंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, देयर वाज डिक्रीज्ड ब्लड फ्लो। उस वजह से जो पेरिफेरीज थी आपकी, पेरिफेरीज पे ब्लड सर्कुलेशन कम हो रहा था, ड्यू टू व्हिच देयर वाज अ वाइटिश डिसकलरेशन एंड नंबनेस। बिल्कुल हाथ एकदम ठंडे पड़ रहे थे, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज, दैट इज द रेनॉल्ड्स फिनोमेनन दैट वी हैव सीन इन केस ऑफ द सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, ठीक है। और क्या अच्छा, चलो नेक्स्ट ऑर्गन पे चलते हैं। नेक्स्ट में लंग्स की हम बात करते हैं। लंग्स में क्या क्या चेंजेस आ रहे थे? क्या था? इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, जिसके अंदर आपका ड्राई कफ एंड डिस्पनिया, ठीक है। और क्या हो रहा था यहाँ पे लंग्स में? और कुछ भी चेंजेस थे? लिखे थे बेटा आपको, भूल गए सब लोग, खाली पढ़ा है।
ये आपका पैथोजेनेसिस था जिसके अंदर क्या हो रहा था, टी सेल्स का इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था, टी सेल्स की लिम्फोसाइट्स का इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था, दैट वाज लीडिंग टू द एंडोथेलियल डैमेज, जिसके वजह से एंडोथेलियल डैमेज हो रहा था एंड एक्टिवेशन ऑफ द फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स का एक्टिवेशन था, फाइब्रोब्लास्ट इंक्रीज, ये जो है इसका प्रोडक्शन बढ़ रहा था सेलुलर मैट्रिक्स में, स्पेशली डर्मिस के अंदर, उसके वजह से टाइप 1 फाइब्रोजन में टाइप 1 कोलेजन को जिसके वजह से ब्लड फ्लो कम हो रहा है और हाइपरटेंशन के जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो भी इसी वजह से आ रहे हैं, बिकॉज देयर इज थिकनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स। बेटा बाल खत्म हो गए, क्लास में बैठ के नहीं खाते जाओ। सोनाली, आर्टेरियल एंड आर्टेरियल नैरोइंग ड्यू टू इंटीमल प्रोलिफरेशन एंड वेसल वॉल इन्फ्लेमेशन, एंडोथेलियल इंजरी, जब एंडोथेलियल इंजरी होती है दिस कॉजेस रिलीजेस वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर्स, तो एंडोथेलियल इंजरी की वजह से बहुत चलना। थैंक यू सर। थैंक यू। हां जी, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर एंड प्लेटलेट एक्टिवेशन व्हिच रिजल्ट्स इन फर्दर इस्टेनिया एंड एक्सेसरेट द फाइब्रोटिक फ्लो, तो ये जो चीज है फाइब्रोसिस को बढ़ा देता है, ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट जो आ रहा है टाइप 1 कोलेजन प्रोडक्शन, इस वजह से आपका फाइब्रोसिस बढ़ रहा है, फाइब्रोटिक प्रोसेस बढ़ता जा रहा है, दैट इज कॉजिंग हार्डनेस एंड थिकनिंग ऑफ द स्किन। नाउ क्लिनिकल फीचर्स, इनकी बात भी हमने पिछले लेक्चर में कर ली थी, देयर आर सर्टेन क्लिनिकल फीचर्स, सर्टेन अफेक्शंस ऑफ सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस ऑन मल्टीपल ऑर्गन्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, तो जहां पे क्यूटेनियस मैनिफेस्टेशंस में देखा आ रहा था, यहां पे फाइब्रोसिस हो रहा है, फाइब्रोसिस ऑफ द स्किन एंड एक्सट्रीमिटीज फेस फ्रॉम टेलेंजियोफेशियस, ठीक है। ये हमने देखा था रेनॉल्ड्स फिनोमेना, आपको उत्तर भी बैठे थे, ये आप लोगों ने बता दिया, ठीक है। आर्थ्रल्जियास, आर्थ्रल्जियास में यहाँ हमने देखा था कि पर्टिकुलर जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे, ठीक है। और फ्लेक्सर टीनो सैंडोवाइटस, दिस वी हैव सीन इन केस ऑफ व्हिच डिजीज, आरए रिकमेंडेड आर्थराइटिस, बिकॉज ऑफ द फाइब्रोसिस जीआई सिस्टम पे क्या हो रहा है, हाइपोमोबिलिटी हो रही है, ठीक है। हाइपोमोबिलिटी दैट इज डिक्रीज मोबिलिटी ऑफ द जीआई ट्रैक्ट, अब जब जीआई ट्रैक्ट में मोबिलिटी कम हो जाएगी तो जो आपका फूड है वो आगे नहीं जाएगा, उसकी वजह से रिफ्लक्स आने लगेगा, ठीक है। रिफ्लक्स होने लगेगा, एसिड रिफ्लक्स भी होगा, खाना भी वापस से बाहर आने लग जाएगा, ठीक है। ये चीज़ों की आने लगेंगी, गैस्ट्रिक एंट्रल वैस्कुलर एफिशिया दैट इज गेव डिजीज, ये आपको यहाँ देखने को मिलेगी। लंग्स में क्या इसके अफेक्शन रहेंगे, पल्मोनरी अफेक्शन हमारे पास में रहेगा, यहाँ पर इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि डिस्पनिया होगा या ड्राई कफ देखने को मिलेगा पेशेंट में, पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन यहाँ पर देखने को मिलता है एंड एम्ब्लियोलाइटिस। कार्डियक मैनिफेस्टेशंस में पेरिकार्डाइटिस मिलेगा, दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिकार्डियम, कार्डियोमायोपैथीज, मल्टीपल डिजीजेस दैट आर रिलेटेड टू द हार्ट एंड कंडक्शन एबनॉर्मलिटीज, यहां पे कंडक्शन एबनॉर्मलिटीज भी देखने को मिलेंगी। रीनल में, इन रीनल सिस्टम, व्हेन द रीनल सिस्टम इज अफेक्टेड द सिम्टम्स ऑफ हाइपरटेंशन, रीनल क्राइसिस और रीनल फेलियर आर ऑब्जर्व। तो क्लिनिकल फीचर्स में कौन-कौन से सिस्टम अफेक्ट हुए, स्किन जिसमें हमने क्या आया, क्यूटेनियस फीचर्स हमारे पास में आए, नेक्स्ट GIT tract is getting affected, इसके अंदर क्या-क्या symptoms आते हैं, increase motility और क्या symptoms हैं बेटा, very good, then next system कौन सा affected होगा, pulmonary, pulmonary, इसके अंदर क्या आता, arthritis, फिर next system कौन सा, ये सारे क्लिनिकल फीचर्स यहां तक हमने कल कर लिया था ना, दिस वी हैड डिस्कस यस्टरडे इन द लास्ट क्लास। नाउ वी जंप टू द टाइप ऑफ सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ द डिजीज, कितना ज्यादा डिजीज फैल रहा है उसका एक्सटेंट कितना है, उसके बेसिस पे हमने डिजीजेस को दो टाइप्स में डिवाइड किया है। पहला कौन सा है, लोकल, डिफ्यूज क्यूटेनियस
systemic sclerosis. This is known as DSCC. DCSS. जिसमें diffuse cutaneous. नाम से क्या समझ आ रहा है? Diffuse मतलब? Diffuse नहीं, diffuse. फैल जाना. बहुत ज़्यादा widespread. Diffuse is widespread. And the second one is localized. जिसमें कि एक पर्टिकुलर लिमिटेड लोकलाइज, जिसमें बहुत ज्यादा नहीं फैलता. तो अगर डिफ्यूज होगा, कोई भी बीमारी डिफ्यूज होगी, डिफ्यूज क्यूटेनियस सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, जिसके अंदर आपकी जो स्किन है वो डिफ्यूजली, ये जो डिजीज है डिफ्यूजली अफेक्ट हो रही है, बहुत ज्यादा बॉडी के अंदर फैल रही है. तो बहुत ज्यादा अगर फैलेगी, बहुत ज्यादा हार्डनेस करेगी, तो फिर उसका प्रोग्नोसिस कैसा होगा? पुअर प्रोग्नोसिस होगा, है ना. तो अगर ये जो हार्डनिंग हो रही है, ये हार्डनिंग आपकी कई जगह पर हमने देखा था, इसके क्लिनिकल फीचर्स कौन कौन से ऑर्गन्स अफेक्टेड हो गए. तो डिफ्यूज में अगर ज्यादा से ज्यादा डिजीज फैलेगी तो इसका प्रोग्नोसिस पुअर होगा. ये जो डिजीज है ज्यादा तेजी से इंडिविजुअल को अफेक्ट करेगी और इसके वजह से जो मोर्टैलिटी रेट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है. वहीं जो लिमिटेड वाली है, लिमिटेड एक पर्टिकुलर पोर्शन को अफेक्ट करेगी, ज्यादा नहीं फैलेगी, इस वजह से इसका प्रोग्नोसिस कंपैरेटिवली बेटर होगा. डिफ्यूज क्यूटेनियस सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस अकर्स इन 30% ऑफ द केसेस एंड लिमिटेड क्यूटेनियस सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस अकर्स इन अबाउट 70% ऑफ द केसेस. तो मैक्सिमम केसेस जो आपको देखने को मिलेंगे वो लिमिटेड वाले मिलेंगे, जिसमें कि आपका जो डिजीज है उसकी लिमिटेड स्प्रेड होगा. वहीं 30% ऑफ द केसेस जो आपको मिलेंगे वो डिफ्यूज क्यूटेनियस सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस के मिलेंगे, जिसमें कि बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड डिजीज आपको मिलेंगे. अब ये जो प्रोग्नोसिस की बात कर रहे हैं, प्रोग्नोसिस ऑफ डिफ्यूज क्यूटेनियस सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस इज पुअर, क्योंकि बहुत ज्यादा ये फैल जाएगा, जिस वजह से इसका जो प्रोग्नोसिस होगा वो पुअर होगा, विद अ 5 ईयर सर्वाइवल रेट ऑफ अप्रॉक्सिमेटली 70%. तो जो इसमें एक्चुअली 5 ईयर सर्वाइवल रेट देखते हैं इस डिजीज के साथ में, कितने लोग आपके 5 साल तक सर्वाइव कर पाएंगे, तो इसमें 70% आपकी सर्वाइवल रेट होती है, 30% में डेथ ही हो जाती है, इतना ज्यादा इसका स्प्रेड करता है. तो टू टाइप्स के हो गए हमारे पास में सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस. पहला कौन सा है? डिफ्यूज क्यूटेनियस सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस. नेक्स्ट वन इज जगह. अब डिफ्यूज के बारे में बात करते हैं ना. डिफ्यूज में क्या होता है? देयर इज रैपिड डेवलपमेंट ऑफ सिमेट्रिकल स्किन थिकनिंग. बेसिकली यहां पे क्यूटेनियस स्किन की ही बात की जा रही है, क्योंकि हमने जो पढ़ा ना डिफ्यूज क्यूटेनियस सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, लिमिटेड क्यूटेनियस सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, तो क्यूटेनियस मतलब स्किन की ही बात की गई है, लेकिन इसके साथ में ही अदर ऑर्गन्स भी यूजुअली अफेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है. तो देयर इज रैपिड डेवलपमेंट ऑफ सिमेट्रिकल स्किन थिकनिंग. तो जो स्किन थिकनिंग होगी that will be symmetrical affecting both side of the body, दोनों side of the body को affect करेंगे. Thickening of proximal and distal extremity, face and crown. तो यहाँ पे आपकी proximal extremity भी affected होगी, distal extremity भी affected होगी, face भी affect होगा, crown भी affect होगा. सब जगह की जो skin है वहाँ पर thickening आपको देखने को मिलेगी, है ना. Fibrosis होगा, skin thickening होगी, जिसके वजह से limited mobility आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी. At high risk for development of visceral disease. अब ये वाली क्योंकि डिफ्यूज है ना, डिफ्यूज के अंदर आपको जो विसरल डिजीजेस हैं, जो अदर ऑर्गन्स हमने देखे हैं कहाँ कहाँ पे अफेक्शन होता है इसका, उन सब में भी इसको स्प्रेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ना. तो देयर इज हाई रिस्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ विसरल डिजीज अर्ली इन द कोर्स. इस वजह से इनिशियल कोर्स के अंदर ही बहुत सारे ऑर्गन्स अफेक्ट हो जाते हैं, इस वजह से इसका प्रोग्नोसिस पुअर होता जाता है, ठीक है. डिफ्यूज है, बहुत तेजी से फैल रहा है, अलग अलग जगह पर फैल रहा है, कई जगह पर फैल रहा है, इस वजह से यहाँ पे इसमें विसरल डिजीज डेवलपमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं एंड हेंस द प्रोग्नोसिस इज पुअर. सेकंड वाला कौन सा है? लिमिटेड सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, उसकी हम बात करते हैं. अब लिमिटेड है, एक पर्टिकुलर जगह पर हो रहा है, कुछ एक पर्टिकुलर स्किन के पार्ट को इन्वॉल्व कर रहा है. तो यहाँ पर कौन कौन से जो फिनोमिनल्स हमने पढ़े थे, जैसे कि रेनॉल्ड्स फिनोमिनल, वो हमें देखने को यहाँ पे मिलता है. इट हैज लॉन्ग स्टैंडिंग रेनॉल्ड्स फिनोमिनल बिफोर द अदर फीचर्स डेवलप्स. तो सबसे पहले नैरोइंग होती है आपके ब्लड वेसल्स की, थिकनिंग होती है, हार्डनिंग होती है. तो काफी लंबे समय तक पेशेंट से रेनॉल्ड्स फिनोमिनल ही लेकर आता है, मतलब वो बोलता है कि मेरे हाथ पैर एकदम ठंडे पड़ जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, बहुत लंबे टाइम तक वो डायग्नोस ही नहीं हो पाता कि सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस है, ठीक है. तो धीरे धीरे बहुत लंबे टाइम तक तो आप सोच रहे हो कि रेनॉल्ड्स फिनोमिनल है, और धीरे धीरे आपको पता चलता है कि वो धीरे धीरे सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस में कन्वर्ट हो गया. द स्किन इज लिमिटेड, इन्वॉल्वमेंट इज लिमिटेड टू द फिंगर्स. सिर्फ फिंगर्स का इन्वॉल्वमेंट लिमिटेड रहता है, जिसमें कि स्क्लेरोडेक्टिली, जिसमें हमने देखा ना क्लॉ हैंड हो जाता है, ठीक है. तो वो चीज़ आपको देखने को मिलती है. एक्सट्रीमिटी डिस्टल टू द एल्बोज एंड फेस. तो जो आपकी एक्सट्रीमिटीज हैं डिस्टल टू एल्बोज एंड फेस, वहाँ पर देखने को मिलता है. इट इज जनरली एसोसिएटेड विद अ बेटर प्रोग्नोसिस, क्योंकि लिमिटेड पार्ट ऑफ द बॉडी में अफेक्शन है यहाँ पे,
और कितने परसेंट लोगों में देखने को मिलता है ये 70% है ना। तो यूजुअली इसका प्रोग्नोसिस बेटर होता है, ठीक नहीं हो सकती है डिजीज, लेकिन उसका जो स्प्रेड होता है वो लिमिटेड होता है, आपके वाइटल ऑर्गन्स ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, इस वजह से इसका प्रोग्नोसिस बेटर होता है। ठीक है, देन इट इज जनरली एसोसिएटेड विद बेटर प्रोग्नोसिस, इट इज एसोसिएटेड विद पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन। तो ये भी एक ऐसा फीचर है जो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। क्रेस्ट सिंड्रोम की हम बात करें, क्रेस्ट में पांच चीजें आती है ना, पांच कौन कौन सी चीजें हैं, कैल्सिनोसिस, क्या था, व्हाट इज कैल्सिनोसिस, ऑफ कैल्शियम, है ना, एक्सेसिव डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम जो हमारे ब्लड में जा रहा है, रेनॉल्ड्स फिनोमेनन यू ऑल नो, ईसोफेजियल डिसमोटिलिटी। ठीक है, तो ईसोफेगस में इन्वॉल्व हो जाता है, इसमें डिसमोटिलिटी मतलब डिफेक्टिव मोटिलिटी ऑफ द ईसोफेगस जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ द हार्डनिंग और थिकनिंग ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन। देन स्क्लेरोडेक्टिली आती है, स्क्लेरोडेक्टिली में हमें पता है ये क्या चीजें कौन है, एंड टेलेंजेक्टेशिया जिसमें कि आपके ब्लड वेसल्स जो है वो विजिबल हो जाते हैं, आप बॉडी पर फेस पर देख सकते हो टेलेंजेक्टेशिया, मैं आपको इमेज दिखाऊंगा बाद में कि वो था टेलेंजेक्टेशिया। सो दिस कंस्टिट्यूट ऑफ द क्रेस्ट सिंड्रोम। क्रेस्ट में सी स्टैंड फॉर कैल्शियम, आर स्टैंड फॉर रेनॉल्ड्स, ई स्टैंड फॉर इम्यूनोग्लोबुलिन्स, क्योंकि यहाँ पे ऑटो एंटीबॉडीज बनेंगी तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स का लेवल आपको यहाँ पे बढ़ा हुआ मिलता है। एंटीसेंट्रोमियर एंटीबॉडीज इन द पेशेंट विद क्रेस्ट सिंड्रोम, जो लोग हैं जहाँ पे क्रेस्ट सिंड्रोम आ रहा है वहाँ पे कौन सी एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडीज। देन वी कैन गो फॉर रेडियोग्राफ्स, आप एक्सरे के लिए जा सकते हैं, एक्सरे में आपको क्या क्या मिलेगा, चेस्ट एक्सरे आप करवा सकते हैं टू फाइंड आउट एनी ऑफ द पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट, अगर कोई लंग्स का इन्वॉल्वमेंट है तो उसके लिए आप चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं। बेरियम स्वॉलो, अगर आपको लग रहा है कि मोटिलिटी डिस्टर्ब हुई है तो बेरियम स्वॉलो करवा सकते हैं। आपको पता चल जाएगा क्योंकि ये बेसिकली मोबिलिटी डिसऑर्डर है, तो मूवमेंट किस तरह का है, रिपीटेड एक्सरेज किए जाते हैं जिससे आपको पता चलता है कि कौन सी ऐसी जगह है आपके पूरे इंटेस्टाइन में या पूरे एलिमेंट्री ट्रैक में जहाँ पर वो बेरियम धीरे धीरे जा रहा है या आगे नहीं जा पा रहा, तो आप वहाँ पर रुका हुआ दिख जाएगा या आपको कुछ और चेंजेस दिख जाएंगे। ठीक है, नैरोइंग दिख जाएगी क्योंकि जहाँ भी फाइब्रोसिस होगा तो फाइब्रोसिस में नैरो हो जाती है। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जिससे कि आप इजीली डायग्नोस कर सकोगे। अदर कुछ टेस्ट होते हैं जैसे हार्ट के लिए आप इको करा सकते हो, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं, एंड स्किन बायोप्सी, जब भी आपको स्क्लेरोडेक्टिली या कहीं भी हार्डनेस थिकनेस दिखती है तो आप उसके लिए जा सकते हैं, आप लोग स्किन बायोप्सी के लिए जा सकते हैं, आपको स्किन बायोप्सी डायग्नोसिस ऑफ सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस कंफर्म हो जाएगा। बोल रहा हूं यहाँ तक क्लियर है बेटा इन्वेस्टिगेशन तक, नाउ वी कम टू द मैनेजमेंट। यहाँ तक सब समझ आना बेटा, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस में कोई इशू तो नहीं है, नाउ द ट्रीटमेंट। ठीक है, रेनॉल्ड्स फिनोमेनन जिसमें कि आपके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, है ना, मोस्ट कॉमनली ये चीज देखने को मिलती है, तो उसके लिए आप पेशेंट को वार्म कर देते हैं, हाथ पैर ठंडे हो गए, ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया तो आप पेशेंट को बोलते नहीं गर्म लपेट के रखो, ठंड में नहीं जाओ, है ना, या फिर वार्म ट्रीटमेंट दो, तो ये चीज़ें आपको इनिशियली देनी होती है पेशेंट को, क्योंकि लॉन्ग टाइम इन्होंने देखा था ना लिमिटेड क्यूटेनियस सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस के अंदर भी काफ़ी समय तक हमने रेनॉल्ड्स फिनोमेनन देखने को मिला। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एजुकेशन देते पेशेंट को बताते हैं डिजीज के बारे में, रिगार्डिंग द वार्म क्लोथिंग,
स्मोकिंग सेसेशन, क्योंकि रेनॉल्ड्स फिनोमेनन का डायरेक्ट रिलेशन होता है स्मोकिंग के साथ में। एंड एंटी रिफ्लक्स मेजर्स, मैंने आपको बताया था इंटेस्टाइन में क्योंकि अगर कहीं पे भी खाली प्रोसेस हो जाता है, फूड आगे नहीं जाता, तो फिर रिफ्लक्स सिम्टम्स आने लग जाते हैं। तो उसके लिए आपको एंटी रिफ्लक्स मेजर्स लेने होते हैं, जैसे कि फूड वापस नहीं आए, वॉमिटिंग ना हो, एसिडिटी नहीं हो पेशेंट को, ठीक है। तो उस सब चीज़ के लिए आपको ध्यान देना होता है। मोटिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है, जो भी पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन इन्वॉल्व होता है ना, जैसे सपोज दीसा फिगर्स इन्वॉल्व है या और भी कोई पार्ट इन्वॉल्व है, तो वहाँ पर मोटिलिटी बिल्कुल कम हो जाती है, फूड आगे नहीं जा पाता, ठीक है। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, तो उस वजह से रिफ्लेक्सेस आने लग जाते हैं। इस वजह से दिस द मोस्ट कॉमन ऑर्गन या पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक्ट दैट इज गेटिंग अफेक्टेड। तो एंटी रिफ्लेक्स मेजर्स लेने होते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आप देते हैं पेशेंट को, क्योंकि हाइपरटेंशन के सिम्टम्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। यूजफुल ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स बेसिकली अपना रेनॉल्ड्स फिनोमेनन के लिए, नेक्स्ट ईयर एस इनहिबिटर्स दिया जाता है यूजुअली किसके लिए, फॉर हाइपरटेंशन एंड प्रोग्रेशन ऑफ रीनल डिजीज। तो आप यहाँ पर क्या क्या ले रहे हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स किस केस में, रेनॉल्ड्स फिनोमेनन के लिए, देन एस इनहिबिटर्स फॉर द केस ऑफ हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन को कम करने के लिए एस इनहिबिटर्स, और एस इनहिबिटर्स जो रीनल प्रोग्रेशन होता है डिजीज का उसको भी रोकते हैं, क्योंकि हाइपरटेंशन की वजह से किडनी पर और ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, तो उसको भी रोका जाता है। एंटा एसिड्स जब रिफ्लेक्स होते हैं ना, एसिडिक रिफ्लक्स, तो उसको कम करने के लिए, उसको रोकने के लिए एंटा एसिड्स दिया जाता है, जिसमें प्रोटोन कॉपी इनहिबिटर्स H2 आप क्या होता है बेटा, एंटा एसिड्स आपने पढ़ा है ना, एंटा एसिड्स कौन से होते हैं, H2 एंटागोनिस्ट होते हैं, इसमें ओमेप्राजोल वगैरह होते हैं, रेनिटिडिन, सिमेटिडिन, फॉर्मेटिडिन, ये सब चीज़ें आपको अपने पढ़ी हैं, दैट प्रिवेंट्स द रिफ्लेक्स फिनोमेनन, क्योंकि रिफ्लेक्स होगा तो उसकी वजह से और ज़्यादा बर्निंग होगी, और ज़्यादा इंजरी होगी, एसिड आपके इसोफेगस में और ज़्यादा इंजरी करेगा, जिसके वजह से और ज़्यादा फाइब्रोसिस होगी, क्योंकि हीलिंग जब भी होती है वो उसमें फाइब्रोसिस होने लग जाता है, जब इंजरी होगी, इंजरी जब हील होती है तो थोड़ा सा सिकुड़ जाता है फाइब्रोसिस, और यहाँ तो वैसे भी फाइब्रोसिस का प्रोसेस बहुत ज़्यादा होता है। देन डी पेनिसिलामिन टू रिड्यूस द स्किन थिकनिंग, जो स्किन थिकनिंग है उसको रिड्यूस करने के लिए डी पेनिसिलामिन दिया जाता है, एंड प्रिवेंट ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट, साइक्लोफॉस्फामाइड इम्प्रूव्स द लंग फंक्शन। तो ये अभी तक का लेक्चर था, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? Yes, sir. So next, in the next lecture, we are going to study about Sjögren's syndrome. So is everything clear to you? Yes, sir. So this session was powered by digital version 2.0, Jyoti Vidya Peeth Women's University. I hope you are satisfied with my digital session. If you have any problem, kindly mention in the comment box and I'll try to resolve it. So this was all for today. Thank you very much. We will be meeting in the next lecture with Sjögren's syndrome. Thank you. Thank you, sir.